वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के WrestleMania 25 के प्लान्स को लेकर, और हम बात करने वाले हैं डीन एम्ब्रोस के नए अपोनेंट के बारे में, और हम बात करने वाले हैं WrestleMania में होने वाले रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज स्टाइल्स के मैच के बारे में, कौन सी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन और एज स्टाइल्स के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि ये दोनों सुपरस्टार स्मैकडाउन और लाइव में हैं, और यहाँ पर एक 2-3 हफ्ते पहले एक फोटो लीक हुई थी, और ये फोटो थी एक WrestleMania मैच कार्ड की, और ये मैच कार्ड में 2 सुपरस्टार थे, एज स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन। जी हाँ, मतलब जब ये फोटो सामने आई तो लोगों का ये मानना था कि हमें ये मैच देखने को मिलेगा WrestleMania 25 में। तो कहीं ना कहीं अगर ये मैच कंफर्म हुआ तो ये दोनों सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अब ये दोनों सुपरस्टार्स की बुकिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही है, और स्पेशली रैंडी ऑर्टन की। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली WWE ने अपने प्लान्स चेंज किए और एज स्टाइल्स को पुट किया विंस मैकमैन की स्टोरी लाइन में। जी हमारे जो WWE प्लान कर सकती थी एज स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच फॉर WrestleMania 35, वो शायद WWE ने कैंसिल कर दिया है। पर लेकिन जिस तरह से WWE ऐड कर रही है रैंडी ऑर्टन को, उससे ये बात सामने आ रही है कि WWE रैंडी ऑर्टन को एक बड़ा स्पॉट देना चाहती है WrestleMania 35 के इवेंट में। तो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हो या फिर WWE हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हो, हमें कोई बड़ा स्पॉट देखने को मिलेगा रैंडी ऑर्टन का इस इवेंट में। तो हम बात करने वाले हैं डीन एम्ब्रोस के नए अपोनेंट के बारे में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि डीन एम्ब्रोस है अभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और हमें ये भी पता है कि हमें डीन एम्ब्रोस और रोमन की स्टोरीलाइन बहुत ही लंबी देखने को मिलेगी, मतलब ये स्टोरीलाइन बहुत ही लंबी जाने वाली है। और जैसे कि हम सबको पता है कि एक लाइव इवेंट हुआ था WWE का, और इस लाइव इवेंट का नाम था मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और इस इवेंट में एक बैटल रॉयल हुई थी, और इस बैटल रॉयल की स्टिपुलेशन ये थी कि जो भी इस बैटल रॉयल को जीतेगा वो बन जाएगा नंबर 1 कंटेंडर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो यहाँ पर इस बैटल रॉयल में जीते हैं अपोलो क्रूज। जी हमारे ये पॉसिबिलिटी है कि हमें इस रॉ के एपिसोड में डीन एम्ब्रोस वर्सेस अपोलो क्रूज का मैच देखने को मिलेगा फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, क्योंकि अपोलो क्रूज ने अपना ये टाइटल का मैच अर्न कर लिया है बैटल रॉयल का मैच जीत के। तो पॉसिबली हमें ये मैच देखने को मिल सकता है इस रॉ के एपिसोड में। तो हम बात करने वाले हैं लास्ट न्यूज के बारे में, और ये है ब्रॉक लेसनर के WrestleMania 25 के प्लान्स को लेकर। तो जैसे कि हम सबको पता है कि रॉयल रंबल में ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा, और ये मैच है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इस मैच में हमें बहुत ही शॉकिंग विनर देखने को मिलेगा। जी हाँ, मतलब इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन बन जाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन और हरा देंगे ब्रॉक लेसनर को, और यहाँ पर पॉसिबली रॉयल रंबल के मैच में जीत जाएंगे ड्रू मैकइंटायर। जी हाँ, मतलब हमें रॉयल रंबल मैच में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच कंफर्म होता हुआ दिखाई देगा WrestleMania 35 के इवेंट में। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ब्रॉक लेसनर इसमें कहाँ है। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर एज ए वर्क कर सकते हैं इस मैच में एज ए ट्रिपल थ्रेड। जी हाँ, मतलब हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच देखने को मिल सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट WrestleMania 35। जी हाँ, मतलब इन शॉर्ट PW इंसाइडर का ये मानना है कि अगर रॉयल रंबल में हमें सच में ब्रॉन स्ट्रोमन की जीत देखने को मिल गई तो ब्रॉक लेसनर का 1-on-1 मैच नहीं होगा WrestleMania 35 में, वो मल्टीपर्सन मैच में ही फिट होंगे, ऐसा मानना है PW इंसाइडर का। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बताइए कि आप किसको देखना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट एट WrestleMania 35। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें। With the